ये भी कारण पूछूंगा। इस तरह से 25-30 सवाल होंगे जो हम अमित चतुर्वेदी को मैं चतुर्वेदी जी को मैं फिर से एक बार उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इतना लंबा समय इस संस्था को दिया और अपने जीवन को यहाँ अच्छे समाज को देने में लगे हुए हैं। और एक मुख्य बात आखिरी, हर साल महीना जो दिसंबर का आता है, 31 दिसंबर, ये याद रखिए तारीख, यहाँ बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने यार दोस्त के साथ, अपने मित्रगण के साथ, किसी के साथ भी आइए। इस जो यहाँ पे पार्टिसिपेट तो बच्चे करते हैं, लेकिन आपको उन बच्चों का कला और ये जो हुनर है वो सब आपको देखना है। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, अमित चतुर्वेदी जी आप आइए और वीडियो में सारी आप डिटेल बताइए। आपका हार्दिक स्वागत है अमित जी, आपने मुझे कीमती समय अपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए दिया। आप सुरभि सोच संस्थान के मैनेजर लेवल पे हैं और कितने साल से इस संस्था को आप अपना सेवा दे रहे हैं, और इस संस्थान की स्थापना कौन से सन में हुई थी, और इस संस्था जो ये संस्थान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मेरा 3 सवाल आपसे है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरभि सोच संस्थान में। जी इस संस्था की स्थापना 1990 में वाराणसी में हुई थी और काशी जीवदया विस्तारणी जो मालवी जी के द्वारा स्थापित की गई गौशाला है उसको केंद्र मान करके हम लोगों ने सुरभि सोच संस्थान की स्थापना की। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं चुनार में, यहाँ हम लोग 1995 के समथिंग आए और 2000 में हम लोगों ने यहाँ काम को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। संस्था का उद्देश्य है गौ आधारित ग्राम विकास पर काम करना, एक समग्र ग्राम विकास की कल्पना पर गाय को केंद्र में रख करके जल जंगल जमीन जानवर और वनवासी बच्चे, ऐसा संस्था का उद्देश्य है कि इनको मुख्य धारा में लाना और गाय को एक उच्चतम स्थान पर पहुंचाना। जो हिंदू समाज में गाय को हम लोग माँ मानते हैं जी, तो माँ के दूध से हम लोग व्यवसाय नहीं कर सकते, माँ को हम बेच नहीं सकते, माँ का हम शोधा नहीं कर सकते। तो संस्थान इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वांचल के उन बच्चों को जो गाय को खाने की चीज समझते हैं उनको हमने योजना से नीचे गौशाला बनाई और ऊपर छात्रावास बनाया कि अधिकतम गाय के साथ रहेंगे तो गाय के महत्व को समझेंगे, गाय को जानेंगे। और सुरभि सोच संस्थान ने ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है कि यहाँ से जाने के बाद हमारे बच्चे नागालैंड जैसे स्टेट में गाय पाल रहे हैं। अमित जी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप इस जो संस्था में बहुत सारे लोग हैं, जैसे 35 से 40 लोगों की संख्या है, टीम है स्टाफ का, बहुत अलग अलग उनको काम दिया गया है, सब लोग बड़े शिद्दत से उस काम को कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि इसमें जैविक खाद ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जाता है इस संस्थान में। अब वो संस्थान में जहाँ पे जैविक खेती होती है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि यहाँ पे जैविक खेती का भी विकल्प मौजूद है, काफी समय से चल भी रहा है, तो क्या वो वहीं पे इस्तेमाल होता है जैविक खाद पूरा का पूरा, और एक दिन में कितना खाद बन जाता है, या बाहर के लोग भी हमारे जैसे लोग जैविक खाद यहाँ आके सीख सकते हैं बनाना या खरीद सकते हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। जैविक खाद जो है बन रहा है अधिकतम तो संस्थान के जमीनों में यूज होता है जी, लेकिन जिनको अगर चाहिए तो पहले से ऑर्डर देने पर उनको प्राप्त हो सकता है। हम लोग 20 से 25 किलो एक दिन में खाद बनाते हैं और वो तो गोबर की कैपेसिटी पे होता है, जितना गोबर आता है उस हिसाब से निकलता जाता है जी। और जैसे कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो सामाजिक काम है, वो आके सीखे और अधिक से अधिक सीख के जाए। हमारी यही सबसे आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आए कि जैविक से ही आगे व्यक्ति का जीवन चलेगा और इसके साथ जो रहेगा, यहाँ हम लोग निःशुल्क उसको प्रशिक्षण देते हैं, सीखने के बाद अगर वो यहाँ से जाता है तो निःशुल्क उसको खाद भी देते हैं, ऐसा संस्था का उद्देश्य। तो जैसे एक इसमें और सवाल मेरे मन में उभर के आ रहा है कि जैसे गौ पालन किसी को आता नहीं है, जो नया व्यक्ति है जो गाय से जुड़ा नहीं है, दूर दूर तक कोसों दूर है, तो वो गौ पालन भी आपके यहाँ आके सीख सकते हैं निःशुल्क? बिल्कुल सीख सकता है। तो ये बहुत अच्छी संस्थान है जो निःशुल्क आपको गौपालन सिखा सकते हैं, पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं, जैविक खाद जो यहाँ बनाया जाता है वो भी आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सुरभि शोध संस्थान मिर्जापुर में आज मेरा आगमन हुआ है। ये संस्थान 1990 से बहुत ही अच्छे विषय पर काम कर रही है, जैसे जैविक खाद बनाना, गुरुकुल है, यहाँ पे गौशाला है, और ये आप देखिए सामने जो बिल्डिंग है, ये जैसे आप कॉन्वेंट स्कूलों में दाखिला लेते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, तो इस संस्थान के अंदर में जो ये संस्था है पूरा 30 बीघा की जमीन है, जहां पर ये हनुमान प्रसाद सत्यनारायण पोदार इंटर कॉलेज के नाम से रामबाग चुनार मिर्जापुर में ये आता है।
इस जगह इस कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर बहुत बच्चे जो हैं लड़के लड़कियां छात्र छात्रा यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं बाहर से, और चुनाव मिर्जापुर इलाहाबाद प्रयागराज जो भी बनारस के बच्चे हैं वो सब यहाँ आते हैं। और इस संस्था के साथ में कॉन्वेंट स्कूल का ये जो जुड़ाव है वो इसलिए भी है क्योंकि लोग कॉन्वेंट स्कूल को इस समय काफी ज्यादा पसंद करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये इधर आप देख सकते हैं पूरी ये हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, बगीचा है, बच्चों का ये प्लेग्राउंड है, झूले लगे हुए हैं। इस संस्था का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। तो एक बार अमित चतुर्वेदी जी से मैं इस वीडियो में उनको फिर से निमंत्रण देना चाहूंगा, वो आए इसके बारे में बताएं कि इस स्कूल में कितने बच्चों की कैपेसिटी है, कितना दाखिला मिल सकता है, और क्या प्रोसीजर है, क्या फीस है यहाँ पे, क्या स्कूल की टाइमिंग है, क्या यहाँ के बच्चे सिर्फ बाहर से आके पढ़ाई लिखाई करके शाम को वापस चले जाते हैं, या यहाँ की संस्था में उनके जो दूर से लोग आते हैं उनके रुकने का भी इंतजाम है। आइए अमित चतुर्वेदी जी से बात करते हैं। चैनल में अभी फिर से जुड़ गए हैं अमित जी, हनुमान प्रसाद सत्यनारायण पोदर इंटर कॉलेज जो कि हमारे पीछे ये दिखाई दे रहा है, ये कॉन्वेंट स्कूल है इस संस्था का। और मैं इस संस्था के बारे में एक बार अमित जी से ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस संस्था में इस कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब हुई, और ये जो नाम हनुमान प्रसाद सत्यनारायण पोदर लिखा हुआ है ये किसके नाम पे रखा गया है, ये पहले दो सवाल मेरे आपसे है, बताइए अमित जी। इस विद्यालय की स्थापना 2002 में हुई। नाम जो आप पूछ रहे हैं, गीता प्रेस के अध्यक्ष रहे हैं श्रीमान अच्छा जी सत्यनारायण पोद्दार जी, उन्हीं के परिवार वालों ने, जो हमारा नीचे का फ्लोर है वही बनवाया, तो उनके नाम पे हम लोगों ने विद्यालय का नाम रख दिया, क्योंकि समाज के सहयोग से ही सब ये संस्थान चलता है। जी जी जी, इस नाते उनके नाम से हमने विद्यालय का नाम रख दिया। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी बच्चों का संख्या क्या है, ये लड़के लड़कियों का स्कूल है या लड़कियों का या लड़कों का है, ये थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइए। नहीं, यहाँ लड़के लड़की दोनों आते हैं जी, लगभग 800 के समथिंग अभी बच्चे हमारे विद्यालय में हैं। 800 जी, तो टोटल कैपेसिटी 800 की है या अभी और भी हो? स्ट्रेंथ तो हमारी 1500 की है, 1500 बच्चे हमारे इन लोगों में आ सकते हैं, अभी 800 हैं। जी जी जी, तो ये बच्चे को जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था दी जाती है वो गुरुकुल जैसा ही भाव इनको यहाँ पे भी दिया जाता है, या कॉन्वेंट का स्कूल है तो वो जो कॉन्वेंट स्कूल में बाहर का माहौल होता है वो ऐसा माहौल यहाँ पे दिया जाता है? क्योंकि विद्यालय हमारा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है। जी जी जी, और बाकी हम लोग गुरुकुल की तरह ही चलाते हैं। गुरुकुल की तरह ही, जो एक गुरुकुल की पूरी दिनचर्या होती थी उस तरह हमारे छात्रावास के बच्चों के लिए उसी तरह चलाते हैं। बाकी जो डो स्कॉलर बच्चे आते हैं वो जिस तरह कॉन्वेंट की तरह आते हैं चले जाते हैं, पद्धति हमारी गुरुकुल जैसी ही। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्वेंट स्कूल कहने को है लेकिन अंदर से पूरा वो गुरुकुल वाला माहौल है। जी जी जी। बच्चों को पूरा शिष्टाचार मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, उनको पढ़ाई लिखाई का भी व्यवस्था अच्छा दिया गया है, लोगों से जुड़ाव भी अच्छा होगा, प्रकृति पर्यावरण से भी होगा, जैसा कि यहाँ पे ये मैदान प्लेग्राउंड भी बच्चों का काफी बड़ा झूला लगा है, ये भी उनको सीखने को देखने को खेलने को मिलता है। तो कुल मिला के संस्था ने वो काम किया हुआ है जिसको अगर आप कल्पना करें तो तारीफ करते करते थक जाएंगे और शब्द कम पड़ जाएगा। मेरा इसमें एक और सवाल है, जैसे कोई बच्चा यहाँ आता है, दूर से आता है, उसके माता पिता कहते हैं कि हम दूर से कैसे बच्चे को भेजें और ये हमें बच्चे को यहीं पढ़ाना है, तो क्या अभी इस संस्था ने ऐसा सोचा है सुविधा कि वो बच्चा यहीं रह के इस स्कूल में पढ़े अपना, ऐसा व्यवस्था हुआ है क्या अभी? बच्चा ट्राइब्स होगा तो बनवासी बच्चा जो होगा जी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है बनवासी कल्याण आश्रम, उसके माध्यम से आएगा तो हमारे यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ सकता है इस स्कूल में। जी, अगर वो अदर जाति का है और बाहर से आ रहा है तो उसके लिए ऐसी संस्था ने अभी कोई चिंता नहीं की है, संस्था पर विचार कर रही है। जी जी, जो भी जिस तबके के लोग हैं, अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति को हम लोग समाज के ऊपर शिखर पर कैसे लाएं, उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अगर ऐसा उचित होगा तो किया जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी दिया है अमित जी ने, और आगे चल के हम आपको गुरुकुल और गौशाला के बारे में भी पूरी रोचक जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आया हूँ यहाँ पर जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और वो चैनल के माध्यम से मेरा दिखाना अभी फर्ज बनता है क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, हम लोग गौ माता प्रेमी हैं और राजेंद्र जी के भक्त हैं, तो ये काम जो अधूरा राजीव भाई छोड़ गए थे उसी काम में। अगला सवाल अमित जी से मेरा है कि स्कूल में जो टीचर की संख्या है
अध्यापक की वो कितनी है? हमारे विद्यालय में टीचिंग स्टाफ अभी इस समय 17 है इस कॉन्वेंट स्कूल में। जी जी जी। और विद्यालय की टाइमिंग हमारी 8 से 2 है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जी। और ये सोमवार से कब तक है स्कूल का? सैटरडे, मतलब सोमवार से शनिवार 8 से 2 बजे का टाइमिंग है। और फिर वो अपना जो 2 बजे छुट्टी हो गई तो वो गाड़ी वैन भी लगाया हुआ है इसके जी, लिए जी, बांध दिया है। तो वो कैसे, सिर्फ छोड़ने का है या पिकअप का भी है? पिकअप का भी है, छोड़ने का भी है। तो वो एक गंतव्य जगह होगा बस स्टॉप टाइप का कि वहां से बच्चों को पिकअप करेगा? छात्रावास से हमारे बच्चों को लाता है वो, बाकी जो डे स्कॉलर है वो उनको लाता है। चुनार से भी, शहर से आते हैं, गाँव से भी आते हैं, लगभग 20 गाँव से हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं और शहर से भी आते हैं। तो आसपास के जो भी गांव हैं छोटे बड़े वहां से आते हैं? जी जी। यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं या उनके माता पिता का क्या फीडबैक है यहाँ बच्चे को पढ़ाने के बाद? माता पिता तो कैंपस में आते ही प्रभावित हो जाते हैं जी जी। यहाँ जो स्वयं वातावरण है ईश्वरीय कार्य है, इस कार्य को देख करके बच्चों के साथ जो भी आता है वो संस्था को देख के प्रभावित होता है, उसी से विद्यालय में एडमिशन कराने के बाद भी, जाने के बाद भी हम लोगों से एक परिवार की तरह स्नेह पूर्वक जुड़ा रहता है। ये तो संस्था का प्रभाव है और ईश्वरीय कार्य का परिणाम है जी। गौ माता की कृपा है कि जो बच्चा हमारे यहाँ से गया वो सतत जुड़ा रहा, और उस अब तो ये भी है कि तीसरी पीढ़ी हमारे उनके उनकी हमारे विद्यालय में पढ़ने आ रही है।